हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक तो भाई ये न्यूज़ किस किस ने सुनी है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जब ये बोला तो मुझे समझ नहीं आई मैंने खास लिखा था भई वाकई में ये अभी न्यूज़ अभी की है कि हुआ है कि नहीं और मैंने ये भी पूछना था कि भैया गई किस तरफ जानी वही चाहिए थी जहाँ मेरा दिल कहता न्यूज़ बताती हूँ अचानक रास्ता भटक गई भारत की मिसाइल <laughs> पाकिस्तान में हड़कंप इंडिया इंडिया आर्मी मिसाइल मिसफायर्स पोखरण राजस्थान तो ये कहा से राजस्थान से हमने कुछ टेस्ट करना होगा वो मिसफायर हो गई अच्छा मुझे ये बताओ कि मिसफायर हुई तो इमीडिएटली पाकिस्तान को पता चल गया कि मिसफायर हुई या वो डर रहे थे कि कहीं यहाँ तो नहीं आ रही। <laughs> ऐसा कुछ हुआ क्या कि चली गई वहां पर मुझे नहीं पता कि एक्चुअली एक मिसल <laughs> हुई है और कहा उड़ी है और कहा गिरी है वही जाएगी, सारी वही जाती है <laughs> वो कहती है हम आ रहे हैं जितने उसी डायरेक्शन में तैनात है <laughs> तो वही होता है <laughs> नहीं उन्होंने मुस बोल रही होगी तुमने पुकारा हम चले आए <laughs> तो चलो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर चलिए शुरू करते हैं तो ले ले। ये वाली खबर आई है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं पाकिस्तानी सीमा के पास पोखरण में फायरिंग अभ्यास के दौरान भारत की मिसाइल हो गई फिर अभ्यास के दौरान तीन सरफेस टू एयर मिसाइलें अपना रास्ता भटक गई भारतीय सेना के अधिकारियों के मुताबिक मिसाइलों में उड़ान के दौरान विस्फोट हो गया और ये मिसाइलें खाली इलाके में जा गिरी कौन सी पाकिस्तान के इन मिसाइलों का मलबा आसपास के खेतों में गिर गया सेना ने कहा है कि इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है अब हमने आपको यह खबर तो बता दी कि भारत की तीन मिसाइलें हो गई। तीन। लेकिन अब यह कौन बताएगा कि इस घटना के बाद पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कने कितनी बढ़ गई है जब से ये खबर आई है तभी से पाकिस्तान की मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है कई लोग तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो अपने इलाकों को चेक करना शुरू कर दिया है लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान देख रहा है कि जिन चीजों को वो रात को रख कर सोया था वो अपनी जगह बची भी है या नहीं अब लोगों का क्या कहें लोग तो कुछ भी बोलते हैं लेकिन आपको बता दें कि भारत की ये तीनों मिसाइलें पाकिस्तान में नहीं गिरी हैं। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है ये मिसाइलें तो भारत में ही कुछ टेक्निकल खराबी के कारण गिर गई थी इनमें से दो का मलबा तो मिल भी गया है और तीसरी का भी मिल ही जाएगा। नहीं वो है। जा रहा है। आपको बता दे कि ऐसी खबरें बेवजह पाकिस्तान की नींद उड़ा देती हैं। अब पिछले ही साल 9 मार्च के दिन गलती से भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल रास्ता भटक गई थी और पाकिस्तान में एक किलोमीटर अंदर तक घुस गई थी भारत ने उसी समय कह दिया था कि यह मिसाइल अनजाने में चल गई है इस घटना के बाद भारत ने एक्शन भी ले लिया था लेकिन पाकिस्तान तभी से बोल रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिसाइल गलती से चल गई और ये मिसाइल हमारे देश में अंदर तक कैसे घुस गई अब सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात का भी जवाब देना शुरू कर दिया है क्या? ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा सवाल चीन से पूछो कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान में कैसे घुस गई क्योंकि पाकिस्तान की सीमा पर तो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम लगा था <laughs> मैं तो यार, बड़ा ही मजेदार थी अच्छी कॉमेडी नहीं मैं बता रही हूँ वैसे सोचा जाएगा सीरियस नोट पे सोचे तो हमें लगेगा यार हमसे हुआ नहीं हमारे में क्या प्रॉब्लम आ गई उस टाइप से पर क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जान निकलती है कि भैया फिर मिस फायर हो गया हमारे पास नहीं आई वो मतलब वो दुख की यार कुछ गड़बड़ हो गई वो तो भूल जाओ और मजे लेने का मन करता है कि पाकिस्तान की जान निकल रही है मैं बताऊं अब हमें सीरियस नोट पे बताती हूँ क्या हुआ होगा अभी ये हमने मिस फायर का बहाना मार के अपने इलाके में किया है अब नेक्स्ट वाली जो होगी ना वो मिस फायर होके जैसे पहली वाली गई थी वैसे ही जाएगी। नहीं जाएगी। <laughs> नहीं खाली जगह <जागे> पे जाएगी <laughs> नहीं देखिए अब इतना तो है कि भाई अगर पहले जो हुआ था उसके बाद अगर इंडिया कहता है कि हमारी मिसल मिस फायर हुई है उनको लगेगा बॉस कहीं ना कहीं हमारे एरिया में दोनों तो रहे हैं वहाँ पे हो सकता है इंडिया आया बाँ के चला गया और डेन उनको पता है, नहीं हुआ क्या कोई भी, भी हुआ हुआ में खाली एरिया में देखो कहीं ना कहीं कुछ हुआ एक अभी जाती है, याद रखो। हो सकती है नहीं, पता नहीं है वही क्या मतलब कोई ऐसी चीज है कोई बंदा गुस्से में था कोई बात हुई उस दिन बॉर्डर पे था भाई तो मुझे पता नहीं चल क्या रहा है मगर मिस फायर ऐसा नहीं होना चाहिए कल को मतलब जैसे लोग पहले भी कह रहे थे कह रहे ये ये वाली भी भी मिस मिस फायर फायर हो, तो, हो गई है ये तीन भी ही हुई है। अगर किसी भी न्यूक्लियर वॉरड होता तो, तो, वो वो तो, वो तो वो पहले ही हमने बिना उसके ही चेक कर रहे हैं हम पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है वो चेक कर रहे हैं यही कहा कि वो पाकिस्तान के रीजन में नहीं गई वही आस इंडिया में ही मिली है चलो कोई नहीं वो हमने वो तब तक है जब तक पाकिस्तान को पता नहीं चलता कि उनके वहां एक्चुअली गिरी थी

तो वेस्ट है कि, कि ना पता ही नहीं चल <laughs> वो भी बड़ा मजेदार था कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया की मिसाइल हमारे यहाँ पाकिस्तान में कैसे आई तो लोगों का जवाब है ये तो तुम चाइना से पूछो जिससे तुमने बड़ा अपना एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया हुआ कि वो तुम्हें बचा ही नहीं सका <laughs>

कैसे मिसफायर हुआ था कौन सा बंदा था जिसने मिसफायर है और फिर मुझे याद आया वो अगले दिन था कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के अगले आ, दिन मैं भूल गए थे क्या था फिर कमेंट्स में मैंने भी पढ़ा था मेरे तो, तो अपने आप आ गया था, था मैंने तो खुद ही कश्मीर के अगले दिन और हम यही कहते कश्मीर फाइल्स को देख के आया उसने कर दिया हमने किया भी था रिएक्शन था मगर कभी भी न्यूज में कंक्लूजन नहीं आया

तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए